दोस्तों, किसी ने कहा है सारी दुनिया जीत सकते हैं यदि हमारे संस्कार अच्छे हैं, लेकिन जीता हुआ भी हार सकते हैं यदि हमारे अंदर अहंकार है। दोस्तों, मैं जुल्फ़िकार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल मुस्कान इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में। दोस्तों, बात तो एक राजा के दरबार की है। एक राजा अपने राज्य में राज किया करते थे। उनके पास एक तोता था। तोता बोलता था। राजा के दरबार में एक पंडित जी पाठ करने आया करते थे, जो महीने में 2 से 3 बार पाठ किया करते थे। पंडित जी अपना पाठ करते तो एक बार जरूर बोलते थे, हरी मिले तो बंधन छूटे। जैसे ये बात पंडित जी बोलते, तोता बोल पड़ता, पंडित झूठा है। ये बात एक बार हुई, दो बार हुई। जब जब पंडित जी आते और पंडित जी ये दोहराते कि हरी मिले तो बंधन छूटे, तोता बोल उठता, पंडित झूठा है। पंडित जी को ये बात बहुत बुरी सी लगी, उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा, तो उन्होंने अपने गुरु जी के पास पहुंचे। उनके गुरु जी ने बोला, ये तो बात उसी तोते से पूछनी पड़ेगी, उसे दिक्कत कहाँ आ रही। गुरु जी आए दरबार में और तोते से पूछा, भाई तुझे प्रॉब्लम क्या है? तोता बोला कि मैं एक बार जब मैं पिंजरे में कैद नहीं था, तब मैं आकाश में उड़ रहा था। उड़ते उड़ते एक बार मैं एक आश्रम के पास पहुंचा। वहां पर कुछ गुरु लोग अपने शिष्यों के साथ भजन कीर्तन का कार्य करते थे। मैं उस भजन कीर्तन को सुनता था और वो मुझे याद हो गया। एक दिन मैं वो बैठकर गुनगुना रहा था, तभी उनके किसी शिष्य ने मुझे ये कहते हुए सुन लिया। जब उन्होंने सुन लिया तो मुझे पकड़ लिया और एक लोहे के पिंजरे में कैद कर दिया। जब मुझे कैद कर दिया तो मुझे बहुत तकलीफ हुई, लेकिन वो तोता बोलने लगा कि गुरुजी के मठ में एक सेठ जी आया करते थे। सेठ जी को वो तोता बहुत प्यारा लगा। उन्होंने गुरुजी से बोला कि मैं ये तोता अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, और सेठ जी उस तोते को लेकर अपने साथ चले गए। क्योंकि सेठ जी एक रईस आदमी थे, उन्होंने उस तोते को चांदी के पिंजरे में कैद कर दिया। कुछ दिन के बाद राजा साहब का बर्थडे था। राजा साहब के यहाँ सेठ जी को जाना था, तो राजा साहब को गिफ्ट देने के लिए सेठ जी ने सोचा कि मैं क्यों ना उसी तोते को दे दूँ। अब तोते को उठा करके राजा जी के पास दे दिया। राजा जी ने ले जा करके अपनी धर्मपत्नी यानी रानी को वो तोता दे दिया, क्योंकि अब तोता रानी के पास था, तो रानी ने उसे उठा करके सोने के पिंजड़े में कैद कर दिया। लेकिन रहा वो पिंजड़े में, इसलिए दोस्तों उसे बहुत तकलीफ हुई। गुरु जी ने जब ये बात सुनी तो तोते के कान में एक बात बोला और चले गए। अगले दिन क्या देखते हैं कि तोता मरा पड़ा था। ये देखकर राजा घबरा गया और उसने मंत्रियों से बोला कि तोते का दरवाज़ा खोल दिया जाए, तोते के पिंजरे का दरवाज़ा खोल दिया जाए। ये देखकर एक सैनिक आता है और पिंजरे का दरवाज़ा खोल देता है। जैसे पिंजरे का दरवाज़ा खुलता है दोस्तों, तोता उड़कर भाग जाता है और उड़ते उड़ते एक बात बोलता है, गुरु मिले तो बंधन छूटे। दोस्तों, कहानी छोटी सी थी, लेकिन हमें आपको भी एक सच्चे गुरु की तलाश रहती है। वो सच्चा गुरु हमें एक अच्छे रास्ते पर ले जा सकता है। अगर हमारे सलाहकार हमको अच्छे मिल जाते हैं तो हमारा बिगड़ा काम भी बन सकता है, लेकिन यदि हमारे सलाहकार हमको बुरे मिल गए तो हमारा बुरा काम या बिगड़ा काम कभी नहीं बन सकता है, और अगर हमारे सलाहकार अच्छे हैं तो हमारा जो बिगड़ा काम है वो ही बन सकता है। आशा